स्टूडेंट्स अब हम ब्रीफली देखेंगे कि फेमिनिस्ट रिसर्च क्या है फेमिनिस्ट uh, रिसर्च की जो बेसिक एजम्पन्स हैं उसमें से एक बेसिक अजम्पशन ये है कि इट रिजेक्ट सेक्सिज्म इन डिज़ाइनिंग एनी रिसर्च यानी हम जो सेक्सिस्ट अप्रोच रखते हैं टूवर्ड्स सोशल वर्ल्ड ये उसको उस नोशन को रिजेक्ट करती है एंड इट एम्स टू क्रिएट एन एम्पैथिक कनेक्शंस बिटवीन द रिसर्चर एंड दोज ओ की और शी स्टडीज़ यानी रिसर्चर का एक एम्पथेटिक कनेक्शन डेवलप करने की बात करती है उन लोगों के साथ जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनमें जो है जेंडर बेस्ड जो स्ट्री है वो रिसर्च में नहीं होनी चाहिए मैस्कुलिन और फैमिनल बेसिस पे जो हम स्ट्री करते हैं वो नहीं होनी चाहिए एंड इट एम्पावर्स रिसर्चर टू सेंसिटिवली सी हाउ रिलेशनस ऑफ़ जेंडर एंड पावर प्रीमिएट आल सफेयर्स ऑफ सोशल लाइफ कि कैसे आ, जेंडर की बेसिस पे जो है आ, किसी भी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है यानी जो पैट्रियार्की है आ, जो पदरसरी निज़ाम है ये कैसे हमारी जो है डे टू डे लाइफ में सोशल रियलिटीज को क्रिएट कर रहा है तो हमें इसके ऊपर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है लोगों को फेमिनिस्ट रिसर्च का ये एक एजेंडा है uh, और फेमिनिस्ट रिसर्चर ये कहते हैं कि हमें जो है रिसर्चर्स uh, की पर्सनल फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस को भी रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए यानी हमें एज अ रिसर्चर अपनी पोजिशनैलिटी और कंटेक्सटलिटी की भी बात करनी चाहिए एंड वी मस्ट बी फ्लैक्सिबल इन चूजिंग रिसर्च टेक्निक्स एंड क्रॉस क्रॉसिंग बाउंड्रीज बिटवीन एकेडमिक फील्ड यानी यहाँ पे Uh, वो बात करते हैं इंटरसक्शनैलिटी की कि कैसे डिफरेंट फील्ड्स की थ्योरीज हैं डिफरेंट फील्ड की जो मेथड्स हैं हम उनको कैसे एक ही रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम एक ही जो है रिसर्च में अक्रॉस द सोशल क्लासेस या अक्रॉस द कल्चर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं यानी वो इंटरसक्शनैलिटी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं एंड फेमिनिस्ट आल्सो एम्स टू कंडक्ट एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च दैट सीक्स टू फैसिलिटेट पर्सनल एंड सोसाइटल चेंज जो फेमिनिस्ट रिसर्च हैं वो बेसिकली uh, किस लिए कन्डक्ट की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि माशरे में सोशल uh, चेंज लाया जा सके यानी लोगों के जो है जो, जो जेंडरस्टियोटिपिकल बिलीफ है उनको चेंज किया जा सके उनके जो सेक्सट एटीट्यूड हैं उनको uh, हम चेंज कर सकें और उनके साथ साथ ये जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर की वजह से जो समाजी बुराइयाँ हैं जैसा कि मैं आपको अपनी ही सोसाइटी की एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे ऑनर किलिंग है जैसे डॉरी की एक सोशल प्रॉब्लम है तो इनके ऊपर इनको चेंज होने की ज़रूरत है तो इनके ऊपर बात करते हैं हम फेमिनिस्ट रिसर्च में